बॉलीवुड की मस्तानी ने एक बार फिर अपने फैंस के दिलों में जगह बना ली है। जी हाँ, दरअसल कुछ वक्त पहले दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर को डायरेक्टर लव रंजन के ऑफिस के बाहर देखा गया था, जिसके चलते खबरें आई थी कि दीपिका लव रंजन की फिल्मों में काम करती नजर आएंगी। और ये सुनकर उनके फैंस उनसे नाराज हो गए और ट्विटर पर #NotMyDeepika ट्रेंड करने लगा। वहीं अब हाल ही में खबर आई है कि दीपिका अपने फैंस की उम्मीदों पर खरी उतरी है। उन्होंने अपने फैंस को निराश ना करते हुए काम करने से मना कर दिया है। जी हाँ, दरअसल एक इंटरव्यू में जब दीपिका से पूछा गया कि क्या वो किसी ऐसे शख्स के साथ काम करेंगी जिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा हो, तो जवाब में दीपिका ने कहा कि नहीं, मैं उस शख्स के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी। इसके अलावा आपको बता दें, दीपिका का जवाब उन फैंस के लिए राहत भरी खबर थी जो चाहते थे कि ये एक्ट्रेस लव रंजन के साथ मूवी बिल्कुल भी ना करें। इसके चलते हम आपको बता दें कि लव रंजन का मुद्दा असल में क्या था। गौरतलब है कि प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर लव रंजन पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, क्योंकि उन्होंने उस एक्ट्रेस के साथ अश्लील बातें की थी। इसके बाद से ये मुद्दा गर्माया था और #MeToo चलने लगा। ये सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से फैला, जिसके चलते हर वो लड़की, हर वो एक एक्ट्रेस जिसके साथ गलत व्यवहार हुआ है, वो भी सामने आई और उन आरोपियों पर कार्रवाई भी हुई। ऐसे में दीपिका की खबर ने सोशल मीडिया पर सबको खुश कर दिया है, जिसके चलते फैंस उनकी तारीफ करते देखे गए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से नाजमिन की रिपोर्ट।